So we are going to Marma Goa from Baga Beach. So हम पहुंच चुके हैं मरमा गोवा टर्मिनल पर और ये पोर्ट है, इसे वास्को डी गामा का पोर्ट भी कहा जाता है और इस पोर्ट से हम निकलने वाले हैं आंग्रिया क्रूज के लिए. So I welcome you all. This is Vaishali for the people, by the people, of the people, and this is going to be an amazing journey. Port से मुंबई तक का सफर Goa to Mumbai क्रूज में हम करेंगे और वो भी Angriya क्रूज से. जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको ऐसे टिकट ईमेल की जाएगी और फिर यहाँ पर आकर आप अपनी टिकट दिखाइए और अपना आईडी कार्ड दिखाइए और फिर बोर्डिंग पास कीजिए. ओके दोस्तों, तो मेरा बोर्डिंग पास बन चुका है और एक बार यहाँ पर हम लगेज जो है वो चेक इन करेंगे. हाथ में हम सिर्फ 10 किलो लगेज लेकर के जा सकते हैं. तो मेरे पास ये लगेज है और मेरा कैमरा है. आपको जो भी सामान अपने साथ कैरी करना है एक छोटे से लगेज में कैरी कीजिएगा. लगेज जो चेक इन में चला गया होगा वो नहीं मिलने वाला, वो डायरेक्टली आपको पोर्ट पे मिलेगा मुंबई में. फ्री मील्स यहाँ पर फ्री है क्रूज में. उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ और स्नैक्स, अपनी मर्जी का कुछ करना या लिकर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पासेस मिलते हैं. तो आपको 2500 रुपीज़ का पास जो है पहले लेना होगा और वो पास लेकर के आप अंदर जा सकते हैं. इनके साथ को एक्स्ट्रा उसमें चार्ज करवाना है आप चार्ज करवा सकते हैं अगर ज़्यादा हो गया आपका खर्चा तो, और नहीं तो अमाउंट विल बी रिफंडेड एट मुंबई टर्मिनल बाय कैश. आप लोगों ने शायद मुंबई टू गोवा क्रूज देखा है तो फिर उसमें आपने ये प्रिटी लेडी को देखा होगा और बेसिकली ये है वाइस चेयरमैन ऑफ Angriya क्रूज और नाम उन्हीं के खूबसूरत शब्दों में लीना कामत प्रभु. Yes, hi. And Leena Kamath Prabhu is so positive female and believe me, 2 साल उसने इस क्रूज के अंदर बिताए हैं. अब वो क्रूज पे नहीं सेल कर रही है इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है. You enjoy. I'll be enjoy. You know I will enjoy. Welcome on board Angriya. Okay guys, so यहाँ पे वेटिंग रूम भी है और सेकेंड फ्लोर पर जो है आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो अगर आप जल्दी आ गए हैं तो. ओके, तो यहाँ का व्यू देख लीजिए आप. हम क्रूज की ओर एक्साइटेड हो संध्या? बहुत ज़्यादा. तो ये बस है और इस बस से आपको शिप तक पहुंचाया जाएगा. क्या मैं भी उसी में चलूं? ट्रिप खूब चांगली है. अजून तक चालू कुठे झाली हो? पहिल्यांदाच आम्ही याच्यात बसतो. एक्साइटेड आहात तुम्ही? हा, मग आम्हाला बघायचंय नक्की सुविधा काय. एक्झॅक्टली. Okay guys, so everybody is very much excited for this cruise trip. Oh! Hey wala tujhe wala babde wala tujhe wala babde. Wow! Okay guys, so hum aa gaye hain ship ke paas. Okay. So I'm boarding in. How are you? Do you remember me? Okay. Hi. What's the name? हम लोग पहुंच चुके हैं क्रूज के अंदर. ये एंट्री गेट था और इसके अलावा फन टाइम आगे मैं बताऊंगी, लेकिन अभी पहले मैं अपने रूम में चेक इन करती हूँ और मैं अपने रूम का टूर कराती हूँ. You need to proceed downstairs for your welcome drinks and snacks. Then you can collect your room keys from. Thank you, darling. What's your name? Divya. For your welcome drinks. So I am proceeding for my welcome drink. Cool jaw sim sim. Hi guys. Actually log itne excited hai, unhone mere cruise ka video pehle dekha tha. Agar aapne nahi dekha hai to Mumbai to Goa first day cruise maine sale kiya tha, uski link yahan par hai, aap dekh lijiyega. You're at the desk, you will be given your activity डेस्क जहाँ पर है वहीं पर हमारा रूम है. थैंक यू. ओके, सो दिस इज माय रूम. थैंक यू सो मच. कवर्ड है. लाइट भी है.
ये मेरा बाथ एरिया है, तो मेरे लिए टॉयलेट मेरे रूम में है। थैंक यू। Mumbai to Goa cruise on the very first day. Okay. Nice to meet him and let's ask him hamari cruise kaise sail karti hai. This is engine control. Okay. We have two engines, peel stick. The make is peel stick. Depending on what speed we need, we adjust the angle of the blade in such a way that we achieve our required speed. So okay. He's the second officer. He does a very interesting job of making the plan from Bombay to Goa. We have a more modernized called electronic charts. Okay. Yeah, so this is Mumbai Goa. Right. This was a jetty where we were. You see this red line? That's the track, okay? Yeah. That's the Mumbai Goa port limit. Okay. We've already sailed this part. And now we are here. Just about to cross the Maharashtra-Goa border. All right. That's where we are, right? Okay. Okay, let me make it faster. We're going to come close to this part. This one's very nice. So when you're out here, just do have a look at this one. Something called the Bengula Rocks. Okay. So there's a lovely standalone island. Yes. And collection island with the lighthouse. More north. We're going to turn more north and start coasting up the Maharashtra border. Right up to, as you see, we're reaching Mumbai. Fishing nets. Okay. So once you see, I'm zooming in, we get more detailed information on the chart. ये cruise sail करती है 4 बजे और 4 बजे के बाद ये sunset का time approximate 6:30 के आसपास होगा और वो view बेहतरीन होगा. टाइम लैप्स देख लिया है, जो लालिमा थी सूरज की वो देखते बनती थी. आप इसे कंपेयर मत कीजिए फॉरेन के क्रूज से प्लीज, क्योंकि फॉरेन के क्रूज, फॉरेन के लोग, वो कुछ ज्यादा
फ्लाइट में कम होता है, 2500 रुपये में पहुँच जाते हैं, लेकिन जो ये मज़ा है, दिस इज़ वन काइंड ऑफ यू नो टूरिज्म. ये एक आप एक बेहतरीन शाम आप गुजार सकते हैं, एक बेहतरीन सुबह आप गुजार सकते हैं. हमारे साथ दो फ्रेंड्स हैं जो आंग्रिया क्रूज में हमारे साथ सेल कर रही हैं. पेटारा, आंग्रिया के पेटारे में है हैंडमेड बुक्स, बैग्स. अब हम जापानीज पॉड देखने जा रहे हैं. ओके, दे आर डबल बेड और सिंगल बेड दोनों. मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे कि ये है. ओके, तो जापानीज पॉड जो है वो डी डेक में है और अभी हम ई डेक में हैं, और ई डेक में कपल रूम है. देखते हैं किस टाइप के कपल रूम है. इस विंडो से आप गुमराह मत होइएगा, ये डमी विंडो है और ये विथ अटैच टॉयलेट है. ऑलराइट, सो ये कपल रूम है. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये टर्टल क्यों बता रही हूँ. यस, ये टर्टल बताने का रीज़न है क्योंकि ई डेक पर जितने भी रूम हैं उन रूम्स का नाम टर्टल्स के नाम से है. जितने भी टर्टल स्पीशीज हैं उन सारों के नाम यहाँ पर है. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फैमिली रूम. डबल बेड एंड ओके, दिस इज अ फैमिली रूम. और यहाँ भी टॉयलेट है, वो सिमिलर पैटर्न में है जैसे कि दूसरे कपल रूम्स में है. डी डेक और ई डेक वो पानी के अंदर सेल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रूम्स के नाम जो है वो फिश और टर्टल से है. Reading and recreation. So, यहाँ पर आपके लिए books हैं. और दोस्तों, knots and crosses, जी, bookshelves का section जो है, वो C deck पर है. We just spa. Okay guys, तो यहाँ D deck पर spa होता है और spa के लिए हम आए हैं. Okay guys, तो ये single spa के लिए यहाँ पर सेक्शन है. एंड दिस वन इज फॉर कपल. आई लव कपल मच बेटर. स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी यहाँ पर. ओके गाइस, सो स्विमिंग टाइम. सो हैव फन हियर इन आंग्रिया. अभी कोई भी नहीं है क्योंकि मैं रात को यहाँ पर आई हुई हूँ ये मस्ती करने के लिए. अब मैं जाती हूँ खाना खाने. पता है दोस्तों, आंग्रिया बैंक जो है वो एक बैंक है और जो कि शैलो शंकन अटॉल में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे है और ये लोकेटेड है 105 किलोमीटर वेस्ट ऑफ विजयदुर्ग में, जो कि महाराष्ट्र में है. और इसका नाम शार्केल कानोजी आंग्रे के नाम पर है और ये इम्पोर्टेंट कॉरल हैबिटेट है. जी हाँ, कम से कम 1000 वेराइटीज़ की फिश और कॉरल हैबिटेट जो है इस समुंदर के पानी में है. और इसीलिए और हाँ, ग्रेट वाइट शार्क भी है.
और इसीलिए इस रेस्टोरेंट का नाम कोरल रीफ रेस्टोरेंट है। लास्ट वन जो खाना खा रही हूँ मेरे लिए दे आर सो स्वीट। उन्होंने मेरे लिए खाना रखा हुआ था, हम लोगों ने मतलब सोचा कि अब खाना मिलेगा कि नहीं है संध्या। यहाँ पे खाना जो है वो ताज से आता है आधा और बाकी ये लोग ऑनबोर्ड बनाते हैं। आंग्रिया क्रूज शिप जो है वो 7-storied क्रूज शिप है और 130-meter लॉन्ग क्रूज शिप जो कि ऑपरेट की गई है आंग्रिया सी ईगल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और आंग्रिया नाम कैसे पड़ा चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये है शारखेल कानोजी आंग्रे। जी हाँ, इनको कहा जाता था शिवाजी ऑफ मरीन्स। यस, ये पहले ऐसे दिग्गज थे, वैसे वॉरियर जिन्होंने ब्रिटिशरों के छक्के छुड़ा दिए थे। शारखेल कानोजी आंग्रे की समाधि स्थल जहाँ पर उनकी अंतिम सांसें गई थी वो जगह आज भी उनके स्टैचू के साथ अलीबाग में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। विंडोज वाले भी हैं और नॉन विंडो भी हैं। अभी मैं ए डेक क्रॉस कर रही हूँ और ए डेक पर बार, हॉस्पिटल और सिटिंग एरिया भी है। ये तो हमारा रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर सी डेक है। ओके दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बी डेक में। वैसे बी डेक में बंक बेड्स भी हैं फॉर टू। This is not couple room. It's a twin room. Okay, this is a twin room. और ये twin room में आप कोई भी रह सकते हो। Then we have this toilet. बी डेक पर हमने twin rooms देखे और यहाँ पर dorms देखे। अब हम बड़ी room में जा रहे हैं। वैसे twin room भी बोलते हैं इसे और बड़ी। सेंटर टेबल है, दो चेयर है, साइड टेबल है अगर लैपटॉप पे कुछ काम करना है तो। राइट हैंड साइड जो स्विमिंग पूल की तरफ जाता है उस तरफ आपको लेडीज टॉयलेट मिलेगा जो कि कॉमन भी है, और लेफ्ट है लेफ्ट साइड पर जो है आपको जेंट्स टॉयलेट मिलेगा। सो लेट्स गो। तो हम आ गए हैं कपल रूम में विद विंडो। This one
was a beautiful trip here on Angriya Cruise. मुझे बहुत मजा आया और हो सकता है आपको भी मजा आए. अब हम आ चुके हैं मुंबई में और यहाँ से मैं क्लोज करती हूँ. सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल. और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो राह किस चीज़ की देख रहे हो. सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करो और शेयर करो. हम इसी जेटी से जो है जाएंगे डॉक की तरफ.